आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके, जो आपके IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं, और IBPS PO प्री का जिनका एग्जाम्स अभी तक पेंडिंग है उनकी भी एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देख सकते हैं, ओके। लेवल PO प्री का है राइट, बट क्लरिकल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा PO प्री का है, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, आज आपकी थर्ड क्लास है राइट। टोटल सेकंड क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, नहीं देखा है देख लीजिएगा, इतनी गारंटी है। 50 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपके इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न में से मिलेंगे राइट, चाहे आपका एग्जाम्स किसी भी शिफ्ट में हो, किसी भी दिन हो, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस अर्थमेटिक का तीसरी क्लास उसकी अपलोड की थी, थर्ड क्लास राइट। और अर्थमेटिक ऐसा टॉपिक है, सिलेक्शंस वाला टॉपिक है, अगर आपको कवर करना है, देखना है, तो मेरी ये 50 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम से पहले राइट। एक IBPS PO प्री का जो एग्जाम्स हुआ था 4 दिसंबर को राइट, जिसमें क्वेश्चंस पूछा गया था मिसिंग नंबर सीरीज और अर्थमेटिक के, तो सभी से रिक्वेस्ट है, उनके क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा उन क्वेश्चंस को भी, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है। ये मैथ का जो IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का जो पेपर था, टेलीग्राम चैनल्स पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अब जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब पे चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर दे दूंगा ये। अगर आप मेंस लेवल के DI की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, सेम थंबनेल के वीडियोज हैं। टोटल 14 से 15 DI सेट में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, आप जरूर देखिएगा ना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की राइट। 21 से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये देख सकते हैं 21 से स्टार्ट है, 1 to 20 तक दो क्लासों में मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहली बात ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा इससे पहले वाली सारी क्लासेस, प्रैक्टिस के लिए इनफ कंटेंट है, मेरी गारंटी है। आप इसके अलावा एक भी वीडियो, एक भी क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा, और ये जो भी करो उनके सारे पैटर्न याद रहना चाहिए, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्वायर क्यूब आपके डिफरेंसेस पीसेस भी, मल्टीप्लिकेशंस, फ्रैक्शंस, वैल्यू, टेबल्स, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है, सीरीज अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही होगा, ओके। और सीरीज ऐसी होती है, ध्यान, आज के क्वेश्चंस आप देखिएगा वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिएगा, इतनी गारंटी है, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही न्यू पैटर्न आप सीख के जाओगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। अगर नहीं सीख के जाओ, क्वेश्चंस आपको अच्छे नहीं लगे, वीडियो को डिसलाइक मार देना, कमेंट कर देना सर हमको पसंद नहीं आया, इतनी श्योरिटी है, ओके। तो देखिएगा 1 by 1 क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है 21, क्या कहता है, 7 से 5 4 है, 5 से 7, 7 to 17 एंड 63 एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए सीरीज का पैटर्न देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किस बेसिस पे पैटर्न है राइट, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और ऑप्शंस देखिए 300+ ही ऑप्शंस है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन है,
ये ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए, ध्यान रखिए। जितना अच्छा आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ही क्वेश्चंस आप स्पीडली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 17 से ये 63 हो रहा है, राइट? तो लगभग आपके फोर टाइम्स है। 7 से आपके 17 हो रहा है। इट मीन्स अपन यहाँ 4 है तो यहाँ 3 कर सकते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 कर सकते हैं। 17 × 4, याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशंस अगर किसी में पैटर्न हो ना तो हमेशा बड़ी संख्या में ट्राई करिएगा, राइट? ताकि छोटी संख्या में करोगे तो वहां पर प्लस माइनस का थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, बट बड़ी संख्या में आपको पता चल जाता है डायरेक्ट। ओके, ये माइनस 17 × 4, राइट? 68, 68 माइनस का 5 करेंगे तो अपने पास 63 आ सकता है। 17 × 3, 21 माइनस का 4, दैट इज द 17। 5 × 10 माइनस का 3 इज इक्वल टू 7। 7 × 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या होगा? × 5 माइनस का 6, यानी कि जिस संख्या से मल्टीप्लिकेशन हो उससे नेक्स्ट संख्या माइनस करनी है। तो 6 × 5 = 30, यानी कि 300। 6 × 3 = 15, प्लस का आपको 6, तो 15 + 6, एक सेकेंड रुकिएगा, माइनस का 6, सॉरी, माइनस का, ये माइनस का है ना, तो माइनस का 15 से -6 गया, दैट इज द 9। 309 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चंस देखिए, एक अच्छा क्वेश्चंस है। 13 से 17, 33, 97 क्वेश्चंस मार्क एंड 13, 77, राइट? देखिए सीरीज का इंक्रीमेंट ऑर्डर देखिए, यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि 13 से इनटू 2 करेंगे और माइनस का 1 करेंगे तो सीरीज बन रही है। यहाँ पर इनटू 3 करेंगे तो माइनस का 2 करेंगे तो अपने पास सीरीज बन रही है, राइट? इंटू 2 इंटू 3 माइनस माइनस, क्या यहाँ पर इंटू 3 होगा या इंटू 2 होगा या इंटू 1 होगा? अगर 3 करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, 2 करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि 26, माइनस का अपने को करना पड़ेगा 9, क्योंकि अपन 9 करने पर किसी भी तरह का ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहा है, राइट? यानी कि फ्लो है सीरीज का वह नहीं मैच हो रहा है। तो अपने को क्या करेंगे, डिफरेंस बेस पर नहीं जा, मल्टीप्लिकेशंस नहीं जा रही, तो सीधा लीजिए डिफरेंस। 4 का डिफरेंस 3 + 3, 6 + 10, दैट इज द 16 का डिफरेंस। 33 से 4 और 64, यहाँ से क्वेश्चंस पता चल गया होगा किस लेवल का क्वेश्चंस है, राइट? 4, 16 एंड देन 64, यानी कि ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का स्क्वायर मैंने बताया था, याद होना चाहिए। प्लस का 255, ये 32 का स्क्वायर होगा, इसका होता है 1024, यानी कि 31 का 961, 32 का 1024, तो 256 प्लस 256 प्लस 97, 100 मानिए, तो 23 इसमें से निकाल के इसमें से दीजिए 1, यानी कि 353 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंस में आपको स्क्वायर दिया है, पीओ प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट क्लरिकल में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट? इसी टाइप के 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हर कोई स्टूडेंट बनाएगा, बट कॉम्पिटिशन्स 2 क्वेश्चंस में रह जाता है, क्योंकि हर एक से वो क्वेश्चंस नहीं बनते। ओके, तो ये नोट करते चलिएगा। नाउ
नेक्स्ट पे चलें। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चंस देखिए, फोर से फोर हो रहा है, फोर से सिक्स, सिक्स से ट्वेल्व, ट्वेल्व से ट्वेंटी फोर, एंड देन यहाँ पर आपका क्वेश्चंस मार्क है। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है माय डियर एस्पिरेंट, राइट। दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर क्लिक कर रहा है, यहाँ पर देखिए इंटू टू टाइम्स करेंगे, यहाँ पर इंटू टू टाइम्स करेंगे, यहाँ पर फिर आपका 1.5 टाइम्स, यहाँ पर आपका 1.0, यहाँ पर इंटू वन करेंगे, ओके। तो सीरीज में कोई फ्लो नहीं, इंटू वन, 1.5, 2.5, 3.5 होगा, तो अपन कर सकते थे, बट सीरीज में ऐसा कोई नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न बिल्कुल नहीं लगेगा। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस देता है कि मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट ट्राई करें, नहीं बनेगा उसका टाइम वेस्ट हो, ओके। ये आपको ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बढ़िया होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर देखिए सिक्स का डिफरेंसेस है, यहाँ पर ट्वेल्व का डिफरेंसेस है, यहाँ पर टू का डिफरेंसेस है, यहाँ पर जीरो का डिफरेंसेस है, यहाँ पर कितने का है, टू का, फोर का, सिक्स का, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म्स होगा एट का, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर, दैट इज द 244, राइट। ए ऑप्शंस यानी कि 44 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक एंड शेयर और कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट 24th नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्लियरली विजिबल्स है कि आपके डिफरेंस पेज पर जाएगा, ओके। तो 95 से 104 हो रहा है, इट मीन्स कितने का माइनस करेंगे, 5 प्लस 4, दैट इज द 9 का डिफरेंसेस, यहाँ पर 27 का डिफरेंसेस, यहां पर कितने का डिफरेंसेस है, माइनस का 1 और 8, 81 का, यहां पर माइनस का 243, 55 माइनस 12, दैट इज द 43, 400 माइनस 200, 200, ठीक है। तो यहां पर कितने का होगा, ये होता है आपका 3 का स्क्वायर, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 3 का 4 टाइम्स, ये होता है 3 का 5 टाइम्स, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 1 टाइम्स, तो 3 का 1 टाइम्स 3, माइनस का 3, 95 माइनस 3, 92। ऐसे क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज भी ऑप्शंस रहते हैं, तो ई ऑप्शंस, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। अभी तक 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं और चारों क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट वे पर थे, और पैटर्न यकीन मानिए एग्जामिनर इससे हार्ड लेवल तो बिल्कुल नहीं देगा। मैं आपकी इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम्स में टफ से टफ क्वेश्चंस आप कर पाओ। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दे चलिएगा बस। इसको सॉल्व करिए, 5 से 11, 11 से 20, 20 से 40, 40, 3 से 40, 82। तो ये तो क्लियरली विजिबल्स है कि आपका मल्टीप्लिकेशन है, इनटू 2 प्लस का 3, इनटू 2 माइनस का 4, इनटू 2 माइनस का 2, इंटू टू प्लस का 1। ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस ही बनाएंगे, इंटू टू प्लस का 5, तो पीछे 9, 9 सभी में है, 82 इंटू टू, दैट इज द 164 प्लस 5, आंसर आएगा 169। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है, करीबन करीबन 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, यकीन माने क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज आपको स्किप करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ओके, थोड़ा सा पैशंस, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है ऐसे क्वेश्चन में, समझिएगा। खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए सीरीज में डेफिनेटली लग रहा है कि डिफरेंस पेज पर है, राइट? तो यहां से लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन जाएगा, बट यहां से लग रहा है कि सीरीज डिफरेंस पेज पर जाएगा। बट ऑप्शंस भी देखिए, 1000 है 200 से, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन भी जा सकता है। ओके, यही होता है, एक एग्जामिनर क्या करता है कि या मल्टीप्लिकेशन जाए या डिफरेंस पेज पर जाए, ये प्रैक्टिस ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ओके, 3 से 21 हो रहा है तो प्लस का 18 का डिफरेंस है, 21 से 41 हो रहा है तो दैट इज द 20 का डिफरेंस है, 41 से 65 हो रहा है दैट इज द 4 and 2, 24 का डिफरेंस है, यहाँ पर 65 से 105 यानी कि 40 का डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस का 5 दैट इज द 36, 100 गया तो आपके बचा कितना, 136। अब देखिए 136 यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर डिफरेंस है 16 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, दैट इज द 96 का। क्लियर, 96 का। तो यहाँ पर कितना होगा, ये आपका है 2 से इंटू 2, ये आपका है 4 इंटू 4, ये आपका है 16 इंटू 6, 16 इंटू 6, ये आपका होगा 96 इंटू 8, 2, 4, 6, 8 होगा, 96 इंटू 8, 800 माइनस 32, कैसे, मैंने इसको 100 माइनस 4 किया है, इंटू 8, तो 8 इंटू 100, 800, 8 इंटू 400, 4 इंटू आपके 32, 800 माइनस 32। ओके, और 800 माइनस 32 तो 768 प्लस का 136 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4, 6 + 3, 9 + 1, 0, 7 + 1, 8 + 1, that is the 9, 904, 9 + 2, 11, 41 + 4, 45, 1145 is the correct answer। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स का फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके, और पीओ प्री वाले भी ध्यान से देख लें, यही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। देखिए मेरा एक ही मानना है, आप टफ से टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम्स में अगर इजी मिलेगा ना तो आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर लोगे, बट एग्जाम्स में थोड़ा सा क्वेश्चंस मॉडरेट मिल गया तो पूरा टाइम आपका वहां पर कंज्यूम हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये सीरीज दिखने में बहुत छोटी है, दिखने में एकदम छोटी सीरीज है, राइट? कुछ नहीं है, राइट? बट कैलकुलेट करेंगे ना तो एक सीरीज में पूरा का पूरा टाइम आपका चला जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं है। ओके, 0 से 3 हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है, 7 से 22, 22 से 148, और 148 से क्वेश्चंस मार्क हो रहा है। ओके, तो देखिए 0 से 3 किसी प्रकार का ना तो मल्टीप्लिकेशंस लगा सकते हैं, 3 से इंटू 2 पहले तो स्टूडेंट क्या करेगा, इंटू 2 करेगा क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है, प्लस का 1 करेगा, इंटू 2 करेगा,
प्लस का वर्कर यही क्लिक कर रहा है, इनटू टू तो अब नहीं आएगा, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा गलत है। अब चलेंगे डिफरेंस पे, देखिएगा ये यहाँ पर एक सेकेंड, थ्री का डिफरेंस है, यहाँ पर फोर का डिफरेंस है। देखिएगा अगर ये क्वेश्चंस का पैटर्न आपको अच्छा लगे ना, तो वीडियो को जचा के लाइक करिएगा, जचा के शेयर करिएगा इस क्वेश्चन, और अपने जो भी कलीग्स हैं आपके साथ पढ़ते हों, आपके साथ स्टडी करते हों, उनको ये क्वेश्चन सेंड करिएगा कि इसका आंसर आप जरूर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर करिएगा, राइट। 7 से 22 कितने का डिफरेंस है, प्लस का 15, 22 माइनस 48 टू लैस यानी कि 6 2 1 126। अब नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा देखते हैं, 3 प्लस का 1, 4 यहाँ पर प्लस का 11, 4 प्लस 11 15, यहाँ पर 26 माइनस 15 1 1 1, यहाँ पर कितने का होगा, तो क्लियरली मेंशन है माय डियर स्टूडेंट्स 1 1 1, ये आपका है प्लस का 10, ये आपका है प्लस का 100, ये आपका होगा प्लस का 1000, राइट। समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आया हो, क्वेश्चंस का पैटर्न अच्छा लगा हो, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। तो 1 1 1, 4 टाइम्स 1 में 126 ऐड करेंगे, तो 26 प्लस 11 20 37, तो प्लस का 1237, 1237 इसमें ऐड करेंगे तो आपकी कितना आंसर आएगा, 12 प्लस 1 13, 48 प्लस 37 85, 1385 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है लाइक एंड शेयर जरूर करना, ओके। कमेंट में टाइप करना कि हाँ सर हमें समझ में आया है आपने, आई होप, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा पैटर्न आपने पहली बार देखा होगा कि इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। मेरे चैनल्स पे ओनली फॉर क्वालिटी है, मैं यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह पर विश्वास नहीं करता, ओनली फॉर क्वालिटी, लेवल अच्छा होना चाहिए क्वेश्चंस का, कराने को तो मैं 300 क्वेश्चंस करवा दूं आपको। अब देखिए यह भी न्यू पैटर्न, बिल्कुल न्यू पैटर्न है, आपने देखा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पहले आप ट्राई कर लीजिए, 2 सेकंड का वेट करते हैं, 10 सेकंड मान लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, आप खुद से ट्राई करें, आपसे बनता है क्या, राइट। देखिए 1 5 32, यहाँ पर 36 है, तो यहाँ तो क्लियरली मेंशन है कि डिफरेंस 20 पर ही जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ये आपका 61 है, डबल करेंगे 72, माइनस करेंगे 9 प्लस 2 11 का, तो कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा, ओके। तो डिफरेंस करते हैं 5 11 माइनस एंड 5 माइनस 3 2, ये आपका 25 हो। अब 61 और 277, 77 में से 61 गया, 9 प्लस 7 दैट इज 15, 9 प्लस 7 16, 16, तो 16 लैस कर दीजिए 256, 16, अच्छा 200, सॉरी 1216 होगा, 216, 16 बचा ना, यहाँ पर कितने का 27, यहाँ पर प्लस का 4, यहाँ पर प्लस का 1। अब देखिए ये होता है 6 का क्यूब, ये होता है 5 का स्क्वायर, राइट, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 2 का स्क्वायर अगेन, राइट, और ये होता है 1 का क्यूब,
यानी कि क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, ये यहाँ पर कुछ ना, स्क्वायर क्यूब यहाँ पर भी क्यूब होगा कितने का, 7 का। अब देखते हैं क्यूब होगा का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है, बट इसी क्वेश्चंस में एक ट्रिक छिपी हुई है जो आपको प्रैक्टिस मैटर करेगी, प्रैक्टिस मैटर करेगी। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस अच्छा लगे तो प्लीज एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, यहाँ पर अपने को कुछ गलत लग रहा है, राइट? कि गलत इट मीन्स रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है, राइट? अपन ने 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ से अगेन वापस 5 का स्क्वायर क्यूब स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स अगर मैं इसको 1 की क्यूब की जगह 1 का 1 की पावर 1 कर दूँ, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, यहाँ पर वापस 2 है 3 है, तो यहाँ पर आपका माय डियर एस्पिरेंट 2 की पावर स्क्वायर नहीं, अब इसको अपन 4 की पावर 1 भी कह सकते हैं। एक ही बात है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, अगेन वापस 4 की पावर 1, 5 की पावर 2, 6 की पावर 3, 3 तक, एंड फिर यहाँ पर 7 की पावर 1 होगी, 7 की पावर 7, 1 आपकी 7 होगा, तो 277 प्लस 7 दैट इज द 284। कैसा लगा क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप करना, अगर मजा आया हो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर तो बनता है इस क्वेश्चंस के लिए, और अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में क्वेश्चंस नंबर 27 28 जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, देखिए 1, 6, 31, 92 एंड देन यहाँ पर आपका क्वेश्चंस मार्क है, क्वेश्चंस मार्क की वैल्यू पूछा है कितनी होगी। ओके, 6 से 5 टाइम्स करेंगे प्लस 5 मिल सकता है, 92 करेंगे 31 इंटू 2 आपकी 92, तो कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स नहीं हो रहा, इंटू 3 करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे तो मिल सकता है, इंटू 5 3। देखिए एक तो पैटर्न आपकी है इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 7 माइनस 1, राइट? 7, 5, 3 यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 प्लस का 1, देखते हैं। ये पैटर्न तो मिल रहा है, 185 ऑप्शंस में नहीं है, ई ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। इंटू 7 माइनस 1 6 है, इंटू 5 प्लस का 1 31 है, इंटू 3 93 माइनस 1 बिल्कुल सही है, इंटू 2 प्लस का 1 185, तो बिल्कुल सही है 185। ऑप्शंस में नहीं है, ई ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी हैं, आराम से आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर आपके यह होगा। ओके, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी ओवरऑल्स वीडियो अगर आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस में मजा आया हो, समझ में आया हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा आपको, राइट? अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और उन सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम्स है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।